आप जीत गए मगन चाचा। अब आप अपने बेटे को गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप इस साल के विजेता हैं। मैं किससे हजरत तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं, आप परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हुआ है। चाचा जी, वो देखिए। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या करेंगे जानकर आप तो बस मुझे परेशानी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे बताओ ना। व्यापार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप अपनी छोटी सी दुकान चलाने की जिद में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम समझ। बस पिताजी, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके जो जी में आए वो करो, अब मुझे माफ करो। मगन चाचा जी, गुड़ खा लीजिए, ये लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो मगन जी, आखिर आप प्रतियोगिता जीत ही गए। ये लीजिए आपके जीत के 10 सोने के सिक्के। बहुत बहुत शुक्रिया, सही हकदार तो ये बच्चे हैं, इनकी मेहनत की वजह से हम जीत पाए। शुक्रिया। दस सोने के सिक्के, इससे तो मेरे पूरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पिताजी, आप प्रतियोगिता जीत गए, कितने सम्मान की बात है हम सबके लिए। चलिए आप मेरे साथ घर चलिए, हम दोनों मिलकर इसका जश्न मनाएंगे। रुको, मैं हमेशा सोचता था कि हर चीज की कीमत होती है, लेकिन मैं गलत था। कुछ चीजें बेशकीमती होती है और जो खरीदी नहीं जा सकती। पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे समझ में आज आ गया है कि मेरा आत्मसम्मान जो है वो बेशकीमती है और झूठा स्नेह देकर वो खरीदा नहीं जा सकता। एक बाप का आत्मसम्मान एक बेटा भी नहीं खरीद सकता है, समझ गए ना तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये व्यापार का गुण तुमने मुझसे ही सीखा है, लेकिन इतने सालों का ये जो व्यापार का अनुभव है उसने मुझे भी ये सिखाया है कि इंसान को बखूबी कैसे परखना चाहिए। कुछ देर पहले तो तुम मुझ पर बहुत चिल्ला रहे थे, तनतनाते हुए यहाँ से निकल गए थे, लेकिन जैसे तुम्हें भनक पड़ी कि मैंने 10 सोने के सिक्के जीते हैं तो पिता के प्रति तुम्हारा प्यार उमड़ पड़ा और मेरी चिंता भी होने लगी। नहीं चाहिए मुझे इस तरह का झूठा दिखावा जो वक्त के साथ में बढ़ता है और घटता है, समझ गए तुम? ये लो बेटा, और जाकर अपने नुकसान का भरपाई कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ये मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। सब गलती तुम्हारी नहीं है, हो सकता है मेरी भी गलती हो। आगे बढ़ने के होड़ में मैं जिस तरह से बढ़ता गया तुम भी मेरे पीछे पीछे बढ़ते गए, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एक छोटे से बच्चे ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। मैं तुम्हें वो राह बताना चाहता हूँ, अगर तुम जानना चाहो तो। जब तुम उस रास्ते पे आ जाओगे तब शायद हम दोनों एक हो जाएं। खुश रहो बेटे। देखा था ना, मगन जी के जीत पे खुश विनीत का चेहरा इतना छोटा सा हो गया था। और मैंने तो मगन चाचा जी को गुड़ भी खिलाया था। यशु, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। सीढ़ियों से टकरा कर गिर सकती हो आशिया, राखी को ओढ़ के चलो। पर यीशु भैया, हम तो दिन में जाने कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, और मैं तो आंखें बंद करके भी सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हूँ। फिर भी मेरा हाथ पकड़ लो तो ठीक रहेगा। आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। माँ, आप भी पिताजी का हाथ पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़िएगा। तुम भी ना इतनी ज्यादा चिंता करते हो सबकी। चलो, यीशु की चिंता बेवजह नहीं होती, और आज वो मेरे और आशा के लिए इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? और अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या कहा कि उसे किसी की पुकार सुनाई थी। क्या मतलब हो सकता है इन सब बातों का? उसने किसकी पुकार सुनी होगी? कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग तुम्हारा। हाँ भाई साहब, वो हार्ट लग गया था रास्ते में, इसलिए वहाँ पर कुछ लेने लग गए। अच्छा, आओ बैठो बैठो आराम से, संभाल के बैठो आराम से। लीना, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अर्जुन भले ही मेरा चचेरा भाई हो, लेकिन मैं इसे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता हूँ। जी याद है, बिल्कुल याद है। मेहर, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्या देख रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? थक गई हो क्या? भाभी, शुक्र है प्रभु का कि आप मेरे साथ हैं। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेहर, पर तुम बहुत कमजोर लग रही हो। ऐसे समय में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? हाँ भाभी, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना कि सफर बहुत लंबा था, और जी खराब होने के डर से इसने कुछ खाया नहीं, इसीलिए कमजोरी लग रही होगी इसे। लीना, तुम तब तक मेहर को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं जाकर अर्जुन को उसका कमरा दिखा देता हूँ। जी आओ आओ। मेहर, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना। साथ नीमा के घर चलिए ना। इतनी सुबह नीमा के घर जाना ठीक होगा? बेटा अभी अभी सोकर उठे हो, नहा धोकर नाश्ता कर फिर चले जाना। नहीं पिताजी, मुझे अभी वहाँ जाना है, मेरा उससे और लीना चाची से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है फिर आओ चलो। यीशु को किसी आने वाले संकट का आभास हो रहा है। अचानक वो मेरी आशिया लीना के लिए इतना चिंतित और उनकी सुरक्षा को लेकर इतना परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस संकट का यीशु को आभास हो रहा है उसका संबंध कहीं ना कहीं इन लोगों से भी हो। हे ईश्वर, अब कौन सी नई चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं आप यीशु को? चाहे जो भी हो जाए भाई साहब, पर मुझे चाहिए तो बेटा ही। और मेहर भी ये बात अच्छे से जानती है कि मुझे बेटी नहीं सिर्फ बेटा चाहिए। लेकिन मेहर ये नहीं जानती कि जिस कमजोरी का उसे हर पल एहसास होता रहता है उसके पीछे उसके खुद के पति का हाथ है। जाने दीजिए भाई साहब, तुम लीना की आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। भूलो मत, मैं एक वैद्य हूं, इंसान की शक्ल देखते ही उसके मर्ज को पहचान लेता हूं। मैं तो मेहर को देखते ही सब कुछ समझ गया था। अब ये बताओ कब से उसे वो औषधि दे रहे हो जिससे वो हर पल बेसुध रहती है? और मैं करता भी क्या भाई साहब, जब से उसे पता चला कि मुझे बेटी नहीं सिर्फ बेटा चाहिए तो वो हर जगह हल्ला मचाने लगी कि उसका बच्चा खतरे में है। और मैं नहीं चाहता था कि वो जिससे भी मिले उसके सामने ये सब तमाशा खड़ा करे, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। बच्चा पैदा होने तक मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और अगर मेहर ने बेटी को जन्म दिया तो नहीं बचेगी फिर वो। आप तो जानते हैं भाई साहब, बेटा पैदा होना ईश्वर का वरदान होता है क्योंकि वो बाप के साथ साथ पूरे खानदान का नाम रोशन करता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है। और बेटी, आपका हाल देखकर आंखें खुल गई। बेटी भी पैदा हुई, वो भी। गलती की भाई साहब आपने, पैदा होते ही मार देना चाहिए था उसे। और भाई साहब मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा अंत भी आपके जैसा हो। खुद के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, ईश्वर अपने ढंग से हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। खैर, इस समय तुम्हें जिस भी प्रकार की मदद चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ भी बोलने से पहले छोटे और बड़े के बीच की मर्यादा को तुम्हें सीखना चाहिए। चलो लीना और मेहर के पास चलते हैं, तुम भी कुछ खा लो। आओ। ये दोनों कहां चली गई? यहीं कहीं होंगे वो। नीमा, तुम्हारी माँ कहाँ पे? माँ और मेहर चाची सैर के लिए बाहर गई है। हे प्रभु, किस बात की चिंता सता रही है यीशु को? थोड़ी देर खुली हवा में घूमना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, एक अनजाना सा डर लगा रहता है हर वक्त। मेरे बच्चे की रक्षा करना ईश्वर। यीशु बेटा, ये ये मेहर चाची हैं। बहुत जल्दी ये माँ बनने वाली है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरा बच्चा सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद से मेरी गोद भरने वाली है। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। सब ठीक हो जाएगा मेहर, चिंता मत करो। नहीं, सब ठीक नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए, कुछ भी ठीक नहीं है। रक्षा करो प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करो। ये ठीक नहीं हो रहा। यीशु को अभी मेहर से नहीं मिलना चाहिए था। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। बस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए। तुम जाना मत कहीं, यही रहना मेरे पास, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तुम कहीं मत जाना। मेहर शांत हो जाए। वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं इनका पति अर्जुन, मैं अपनी पत्नी की इन हरकतों के लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। बात यह है कि इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। हमारे परिवार में बहुत सारी औरतों के साथ बच्चा पैदा करते समय बहुत बड़े हादसे हो गए, इसलिए इसे भी लगता है कि कहीं इसके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। हर पल इसे डर लगा रहता है कि इसके बच्चे की जान खतरे में है। चलो मेहर, अंदर चलकर थोड़ा आराम कर लो। लंबे सफर की थकान की वजह से शायद इसका डर और भी बढ़ गया है। मेरे बच्चे की रक्षा करो, रक्षा करो। ये हमारे घर का मामला है, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। आप अपने घर जाइए। लीना जी, मेहर या उसके बच्चे को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आप जरूर बताना जी। आपने देखा ना मेहर की हालत कितनी खराब है, और एक वैद्य होने के नाते मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जब तक उसकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं हो जाती, उसे किसी भी अजनबी से नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेहर को उस बच्चे से दूर रखना। अच्छा, लेकिन है कौन वो बच्चा? यीशु, यीशु नाम है उसका। यीशु जब से इस गांव में आया है ना, मेरा जीना हराम कर रखा है। ऐसे मुस्कुरा कर देखता है लोगों को कि लोग उससे सम्मोहित हो जाते हैं। गाँव के कुछ लोगों के साथ साथ मेरी पत्नी और बेटी को भी लगता है कि उसमें कुछ खास है। खास? ऐसा क्या खास है उसमें? इतना सा बच्चा तो है वो। हाँ, इतने से बच्चे ने यहाँ आकर मेरी प्रसिद्धि पर डाका डाला है। अब तुम तो जानते ही हो कि मैं ईश्वर का दूत हूँ। ईश्वर ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, लेकिन ये गांव वाले कभी कभी ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं, ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं कि गांव के आसपास होने वाले चमत्कार का सारा श्रेय उस यीशु को दे डालते हैं। चाहे वो मेरी बेटी की दृष्टि वापस लौटने का मामला हो, या फिर महापर्व में भरपूर भोजन बन जाने की घटना हो, चाहे वो ईश्वर की दी हुई बारिश से उन कोड़ियों के ठीक हो जाने की घटना हो, परंतु कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब इसलिए हुआ कि मैं ईश्वर की आराधना में लीन रहता हूं, हर समय लीन रहता हूं। पता नहीं ऐसा क्या करता है वो कि हमेशा गांव वाले उसके बहकावे में आ जाते हैं। अजीब पागल लोग हैं ये। एक इत्ते से बच्चे को बिना मतलब के मसीहा बनाकर रख दिया है। पर शायद आप सही कह रहे हैं, आज जो होना था सो हो गया। अब आगे से मुझे मेहर को उससे दूर रखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वो भी उसके बहकावे में आ जाए। भाई साहब, मैं जरा मेहर को देखकर आता हूं। बस इस बार यीशु मेहर को लेकर कोई नई आफत ना खड़ी कर दे। यीशु।